से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर में यौम तकरीम शोदा मनाया जा रहा है ताकि पाक अफवाज के शोदा को खराज अकीदत पेश किया जा सके। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल विहाड़ी में मरकजी तकरीब मुनक़द की गई जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तैयब खान ने की। उन्होंने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की सरहदी और दाखिले मुआज़ों पर जान निछावर करने वाले ही कौम के हीरोज हैं, जबकि पाक अफवाज और पुलिस के शोदा कौम के माथे का जुमर है। उन्होंने शोदा के खून से ही अमन की दीप जलेगी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर भी मेजर मोहम्मद फैल की सूरत में विहाड़ी के बासियों के पास है जो कि काबिल फ़ख्र है। तकरीब में बच्चों के टैबलों के ज़रिए से फौजी जवानों के करदार से शुरका के जज्बात को उभारा, जिससे पूरा हाल पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जी बिल्कुल, यौम तकरीम शोदा के मौके पर डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद ईसा खां, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह की मज़ारे मेजर तफैल शहीद पर हाजिरी, निशाने हैदर मेजर तफैल शहीद को खराज अकीदत पेश किया। डीपीओ ने मेजर तफैल शहीद के मज़ार पर फूल की चादर चढ़ाई और डीपीओ विहाड़ी और डीसी विहाड़ी ने शोदा के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। पाक आर्मी ने फ़र्ज़ की अदायगी में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। इनके फ़र्ज़ शनासी की वजह से दुश्मन हमारे मुल्क की जानब मैली आंख से नहीं देख सकता। हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इरादे हैं